हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बूट्स ऑन रूट्स। आप सभी का स्वागत है। मैं नारकंडा पहुंच चुका हूं इस समय। आज है 5 जून और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी शाम के। मैं 4 बजे नारकंडा पहुंच गया था और ये वीडियो रहने वाली है रिगार्डिंग जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं सुबह से, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपडेट डाला था दैट आई एम गोइंग समवेयर। सो सब सबका अपडेट आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने जीरकपुर का डाल दिया था, तो सबका क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि टूरिज़्म ओपन हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं हैं। सो आई थॉट इट वुड बी बेटर टू जस्ट मेक अ वीडियो फॉर इट, एंड उसके अंदर मैं सब कुछ क्लेरिफाई कर देता हूँ कि पास का कैसे करना है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को रोका जाएगा चेकिंग के लिए, कहाँ कहाँ खाना अवेलेबल होगा कि नहीं, ढाबे खुले हैं या नहीं खुले। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी की पूरी वीडियो देखिए, क्या पता आपका क्वेश्चन मैं कब आंसर कर दूँ। आपको पता नहीं चलेगा कब आंसर किया मैंने वो क्वेश्चन। ओके, दरवाज़ा रुक जा भाई, बात कर लूँ मैं। हाँ ओके, सो सबसे पहली बात, टूरिज़्म अभी ओपन नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो, एज़ पर गवर्नमेंट अभी टूरिज़्म ओपन नहीं हुआ है। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। परसों एक मीटिंग भी हुई थी, कल हुई थी जो मैं न्यूज़ में पढ़ा था, तो यहाँ के जो CM है ठाकुर जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाने वाला टूरिज़्म के ऊपर से, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री बाद में भी रिवाइव हो सकती है आफ्टर 3 मंथ्स, बट पहले लोगों को ठीक करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट या यू कैन कम अगर आपको एक जगह पे रुकना है, मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आप हिमाचल में एंटर कर चुके हैं उसके बाद आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, आपसे होटल की बुकिंग तक मांगी जाएगी कि कौन से होटल में आप जाके स्टे कर रहे हैं, जो कि कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ऑनलाइन आपने बुक कर दिया और पेमेंट नहीं किया, होटल से कन्फर्मेशन नहीं आया, तो वो नहीं चलेगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको ई पास का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार वेबसाइट के थ्रू भी एक बार मैं ले जाऊँगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे साथ ही 2 बार मेरा रिजेक्ट हुआ था क्योंकि मैं कुछ कुछ गलतियाँ कर रहा था जो आई थिंक सभी लोग कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि मुझे आज सुबह बॉर्डर पे भी काफ़ी लोग मिले जिनकी, मतलब मैंने हेल्प भी करी उनको वहाँ पर ई पास बनाने में, रास्ते में भी आते हुए, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगा, रास्ते में भी आते हुए मुझे एक बाइक पे 2 लोग मिले, तो वो लोग करनाल से आ रहे थे, वो उनका ओवरनाइट प्लान बना, देवर आस्किंग कि पास कैसे लेना है हिमाचल के लिए, तो वो हरियाणा की वेबसाइट पे देख रहे थे, जबकि वहाँ से नहीं, हिमाचल की वेबसाइट पे आपको आके करना है। सो हिमाचल की वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे जाके डालेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। उससे पहले 2-3 बातें हैं आपकी, जो एक तो मैंने बता दिया कि होटल की आपकी कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए, जिसका आपको होटल की तरफ से एक PDF मिलेगा जो आपको ई पास के समय अप्लाई करते हुए काम आएगी। सेकंड इज़ दी RT-PCR रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आ जाना था 5 तारीख को, तो मैंने RT-PCR का टेस्ट का सैंपल दिया था 3rd को सैंपल दिया था, 4th को मेरी रिपोर्ट आई थी, यानी कल मेरी रिपोर्ट आई थी, कल ही मैंने सुबह ई पास के लिए अप्लाई किया और मेरा विद इन 5 मिनट्स अप्रूव हो गया। तो आपको वही देखना है, वही 72 आवर्स वाला, जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन में था, इस साल भी वही है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे के अंदर वैलिड होनी चाहिए, अगर आप उस टाइम पर आपको मतलब स्टेट में एंटर कर लेना है, अगर वो आपकी रिपोर्ट एक्सपायर होने से पहले, 72 घंटे पूरे होने से पहले। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक बार वेबसाइट के थ्रू ही दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप उसके अंदर कोविड रिपोर्ट अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आधे लोगों को तो कोविड रिपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है। ओके जी, अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली मैं वेबसाइट पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टाइप ई पास हिमाचल एंड ओपन द फर्स्ट लिंक विच सेज कोविड ई पास। आप इसको खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, विच इज़ अप्लाई फॉर ई पास और स्टेटस चेक या ऑफिसर लॉगिन। स्टेटस चेक आपको बाद में करना होगा जब आपके पास जॉब अप्लाई कर लेंगे ई पास के लिए। ओके, सो अप्लाइंग फॉर ई पास आपको यहाँ पर
सबसे पहले डालनी है आपकी रिक्वेस्ट, कि आपके रिक्वेस्ट एक्चुअली में है क्या, वेदर यू आर कमिंग टू हिमाचल और यू आर गोइंग आउट ऑफ हिमाचल और गोइंग और कमिंग बैक टू हिमाचल और विद इन स्टेट आपको इंटर स्टेट बैरियर क्रॉस करने हैं तो ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप कौन से स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब आपकी नॉर्मल डिटेल्स हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे ट्रैवलिंग टू, ट्रैवलिंग टू में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील। अब यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट सारे आ रहे हैं, लाहौल स्पीति आ रहा है आपका, सिरमौर आ रहा है, शिमला आ रहा है, कुल्लू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, यहाँ पर सोलन भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप डाल के उसके बाद यहाँ पर जो आपका फुल एड्रेस होगा, फुल एड्रेस में यहाँ पर आएगा आपका जो भी आपकी होटल की बुकिंग होगी, होटल का जो भी एड्रेस होगा वो इधर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है, विच इंक्लूड्स आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और आईडी नंबर। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है मेन चीज़, यहाँ पर है सबका, यहाँ पर आके इशू आ जाता है कि आप पर्पस ऑफ विज़िट क्या डालेंगे। जैसे कि मेरा 2 बार जब रिजेक्ट हुआ था तो मैंने पर्पस ऑफ विज़िट डाल रहा था अदर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ट्रैवलिंग पर्पस नहीं है। सो या तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल आ सकते हैं, या क्वारंटीन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, असेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, या मंथली पास। मंथली पास आपको मिलेगा नहीं अगर आप अदर डालते हैं, या सब कैटेगरी भी आपकी इसके अंदर अदर ही रह जाएगी। वाह, इन्होंने सब कैटेगरी हटाई, क्या हो गया है? ओके, सो एक नया चेंज आया, सब कैटेगरी इसमें ओपन नहीं हो रही है। तो आप जैसे ही, तो अगर आप अदर डालोगे, जैसे कि मेरे 2 पहले रिजेक्ट हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि मैं अदर में डाल रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ट्रैवलिंग का कुछ दिख नहीं रहा था। सो मेरी इसके रिगार्डिंग, मतलब जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ के मेरे जो SDM थे उनसे मेरी बात हुई, वो भी मतलब घूम फिर के बात हुई। मैंने पहले DC ऑफिस का नंबर निकाला, उसके बाद DC के सेक्रेटरी से बात करी, उन्होंने फिर मेरे को आगे दूसरे बंदे का नंबर दिया, फिर उन्होंने मेरे को तीसरे बंदे का नंबर दिया, चौथे नंबर पर जाके मुझे SDM का नंबर मिला। क्योंकि एक्चुअली में आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो जाती ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, अभी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा साइड में, जो आपको दिखेगा कि इसकी एक्चुअली में रिक्वेस्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ही जाती है, और उनका जो रीडर होता है, विच इज़ रीडर टू मजिस्ट्रेट, एक बंदा होता है, एक पोस्ट है गवर्नमेंट में रीडर टू मजिस्ट्रेट, एक तरह से सेक्रेटरी होता है मजिस्ट्रेट का, जो आपका ई पास अप्रूव करता है। तो एक्चुअली में अगर आप उसका नंबर निकाल सकते हो कहीं से, या उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड, आपको पास मिलने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मैंने नंबर निकाल लिया, तो मैंने जैसे ही अप्लाई किया था, मैंने अगले 5 मिनट में उनको कॉल किया और मेरा उसी टाइम उन्होंने अप्रूव कर दिया था। तो आपको इसमें अदर में नहीं करना है, आपको इसमें करना है क्वारंटीन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर अप्लाई। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आप यहाँ पे क्वारंटीन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी डालोगे, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और जनरेट होता है विच सेज कि आपको यहाँ पे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी है। अगर आप यहाँ पे अदर डालते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता, और अगर आप अदर के अंदर अप्लाई कर दोगे तो आपका रिजेक्शन के ऊपर जो आपका रिजेक्शन का वो आएगा, रीज़न आएगा, वो यही आएगा कि आपने कोविड की रिपोर्ट अपलोड नहीं करी है, जबकि आप देखते रह जाओगे आपको कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डालना है क्वारंटीन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और कोविड रिपोर्ट से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया ये कैसे कैसे करना है, कितने घंटे पहले होनी चाहिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 72 आवर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी करनी है कोविड नेगेटिव, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप वैक्सीनेटेड भी डाल सकते हैं, अगर आप रिपोर्टेड एज पॉजिटिव हैं विद इन लास्ट 6 मंथ बट नॉट विद इन लास्ट 20 डेज तो भी आप आ सकते हैं डायरेक्टली बिना रिपोर्ट के। मेडिकल या बिजनेस पर्पज से भी जो भी बंदा आएगा वो ऑब्वियसली कोविड टेस्ट करा के ही आएगा। तो आप यहाँ पर अपना कोविड नेगेटिव डालिए, यहाँ पर आप पर्पज़ डाल दीजिए कि आपको क्या विजिट, किस लिए आपको विजिट करना है, आपका स्टडी पर्पज़ से आपको विजिट करना है, या आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है, या कहीं आपका स्टे है, आपको वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना है, तो आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना एड्रेस प्रूफ, वेयर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, विच कैन बी योर आधार आईडी और एनी अदर गवर्नमेंट आईडी जिसके अंदर आपका एड्रेस होगा, आप जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वो अपलोड करना है जो आपने ऊपर यहाँ पर जिसका नंबर मैंशन किया था, और यहाँ पर आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद व्हीकल टाइप, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अभी तक जो चल रहा है, आगे का पता नहीं, कल परसों में कुछ चेंज हो जाए मुझे नहीं पता, फॉर करंट मतलब अभी 5 जून को जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप अगर कोई भी व्हीकल से आएंगे, तो अगर आप सपोज़ 2 व्हीलर पे आ रहे हैं, तो 2 व्हीलर पे आपकी जो कैपेसिटी है विच इज़ 2, आपको उसकी 50 कैपेसिटी पे आना है, मतलब बाइक पे सिर्फ एक हो सकता है, और LMV जैसे कि हमारी हैचबैक होती हैं या सेडान होती है जिनके अंदर 5 की सीटिंग है, उसके अंदर मैक्स 3 पीपल अलाउ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया था, व्हीकल नंबर आया था आपका, यहाँ पे आया था व्हीकल कैपेसिटी, तो मैंने डाला था 2,
एंड आपका एंट्री डेट और एडिशनल पर्सन, तो मैंने इधर यहाँ पे गोइंग अलोन डाला था एंड अदर्स करके यहाँ पर आप नंबर डालिए। इधर डायग्नोज एज पॉजिटिव और नोट, तो मैंने नो किया था। और आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्टार्ट होगा आपका HP से। मैं आप स्क्रीन पे डाल भी देता हूँ कि मेरा कैसे आया था। तो आप यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के और फ़ोन नंबर को डाल के कभी भी सर्च कर सकते हैं एंड आपका वो रिज़ल्ट उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा। अगर आपके पास पास आ गया होगा, अगर आपका पास आ गया होगा तो यहाँ पर आपके पास पास का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे रीज़न लिखा आ जाएगा, वो भी मैं स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ। ऐसा एक रीज़न लिखा आएगा कि आपका पास किस वजह से डिक्लाइन हुआ है। मैं अपने जो जितने मेरे रिजेक्ट हुए थे मैं सारे यहीं पर डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट, सो दैट कि आप आइडिया लगा सको कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ओके जी, सो आपने देख लिया कि वेबसाइट पे कैसे कैसे सब कुछ करना है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केट्स कब तक खुली हैं, होटल खुले हैं कि नहीं खुले हैं, और ढाबे खुले हैं कि नहीं खुले हैं, कि भाई अब आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो रास्ते में कुछ खाने को तो चाहिए ऑब्वियसली। आप हर जगह अपना स्टोव तो कैरी नहीं कर सकते जैसे मैं करता हूँ। सो उस केस में आंसर सीधा सीधा सही है कि अभी तक 1 तारीख से जो परमिशन मिली थी, यहाँ पे सभी मार्केट्स को ओपन होने की परमिशन मिली है 1 तारीख से। ऑब्वियसली मॉल रोड ओपन नहीं है, उधर भी कुछ सिलेक्टिव कन्फेक्शनरी के यहाँ खाने की दुकानें खुली होंगी। दैट टू टिल 3 बजे तक ही सबको परमिशन मिली है अपनी अपनी शॉप्स खोलने की, वेदर इट इज़ कन्फेक्शनरी या और भी कुछ है, असेंशियल आइटम की चीज़ें हैं जैसे कि केमिस्ट है या हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब। और आई थिंक किराना शॉप भी शाम तक खुले रहते हैं, तो मैंने बाहर निकल के देखा भी नहीं है और मैं जाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास काम है अभी करने को। ये तो यहाँ पे दुकानों का है। और पूरे रास्ते, मतलब मैं सोनीपत से यहाँ तक आया, सो विच इज़ अराउंड 370 किलोमीटर्स, तो पूरे रास्ते ये ढाबे वाबे सब खुले थे, खाने का कोई इशू नहीं है। आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन हिमाचल अगर आप ये सब गाइडलाइंस जो जो मैंने आपको बताई हैं ये सब अगर आप पूरी करके आते हैं तो। क्योंकि अगर आप बिना इन चीज़ों के आओगे आपको 100% हिमाचल के बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। मेरे को हरियाणा से लेकर हिमाचल के बॉर्डर तक एक भी चेक पॉइंट नहीं मिला, पुलिस वाले हर जगह खड़े थे बट दे वर नॉट चेकिंग एनीथिंग, तो मैं आराम से पास कर रहा था। बट जैसे ही मैंने पंचकुला के आगे जैसे ही मैं थोड़ा बढ़ा और हिमाचल के एंट्री पे पहुंचा, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ था और उन्होंने मेरे से पूछा कि ई पास है तुम्हारे पास? पहले तो बात तो लाइन लगी हुई थी वहाँ पे, काफ़ी लोगों को रोका हुआ था, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, काफ़ी बाइकर्स को भी रोका हुआ था। मैं एक छोटा सा क्लिप डाल देता हूँ अभी इसके लिए। ओ कटा कटा, अभी तो कटा है, शिमला 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 सीधा ही होगा। ओहो, चेकिंग चेकिंग चेकिंग, तगड़ी चेकिंग चल रही है क्या? हाँ यार, अच्छा ओहो पास नहीं हुआ इनके पास, कुछ तो सीन चल रहा है। होगी होगी चेकिंग होगी यहाँ पे, 100% होगी। मैं गाने बंद कर लूँ मैं, ज़रा पता चले गाली बक दे। क्या सीन चल रहा है भाई? अच्छा पास चेक कर रहे हैं, कोई नहीं करने दो। पास भी हो रहा है चेक, शायद टेस्ट भी हो रहे हैं। इनको पास दिखाता हूँ और निकलता हूँ मैं तो। हाँ जी सर, जाना तो मैंने कहा है सर। पास बना है आपका? हाँ जी, दिखा देते हैं, ये लो सर। नंबर बोला सर इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा रजिस्ट्रेशन 306 8106 6। हाँ जी, थैंक यू सर। काफ़ी बाइकर्स को भी रोका हुआ था एंड दे वर आस्किंग फॉर ई पास। कई लोग पास नहीं था तो वहीं खड़े होके बना रहे थे, ऐसा मत करना, वहाँ खड़े होके मत बनाना, क्या पता आपको ना मिले तो आगे नहीं जाने देंगे, आपका आना बेकार हो जाएगा। पास मिले तभी तैयारी करना,
तैयारी पहले मत करना, पास मिले तभी तैयारी करना, क्योंकि ये लोग कुछ भी रीज़न देख के आपका पास काट सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा भी दो बार किया, उसके बाद तो मैंने नंबर वंबर निकाला इसलिए मे भी मेरा हो गया अप्रूव, बाकी मेरे को एक्चुअल सिनेरियो नहीं पता क्या चल रहा है। जितनी भी गाइडलाइंस हैं यही हैं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आएंगे तभी यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव होगी, क्योंकि हिमाचल में बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत सारे होटल्स ने अपनी लीज छोड़ दी है, 99% ऑफ द होटल्स आर एम्प्टी राइट नाउ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है। तो आई वुड एनकरेज पीपल टू कम, बट आप सारे की सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आइए, सब कुछ करते हुए आइए, ताकि आपको कोई रोके ना, चेकिंग के लिए जो भी रोके, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करनी, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, आपके जितने भी और अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए, पूछिए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और अभी मैं यहाँ पर हूँ तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी, अगर किसी ने आना है तो उसका कुछ अरेंज करना या ऐसा कुछ करना, किसी को पास नहीं मिल रहा तो मे बी मैं यहाँ पे किसी से कॉन्टैक्ट करके किसी को दिला सकूँ। सो इन एनी केस यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम अभी नीचे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, आई विल बी अवेलेबल अगर मैं राइड ना कर रहा हुआ तो, राइड अगर कर भी रहा हुआ तो भी। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा नाको के लिए, अभी जो आवाज़ आ रही है ना चिड़िया की, यही एकदम मतलब खुश कर देने वाली है। ठीक है, तो मैं बताता, कल सुबह मैं निकलूँगा यहाँ से नाको के लिए, उससे आगे का भी लंबा प्लान है, बट देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि मेरे को भी जो पास मिला है वो मैंने काजा के लिए अप्लाई किया था, काजा तक के लिए मेरे को मतलब मैं कल या परसों तक काजा पहुँचूँगा, तो तब तक के लिए मैंने पास बनाया था। अब आगे अगर मेरे को मूव करना होगा तो उसके लिए मुझे विद इन डिस्ट्रिक्ट्स अगर मूव करना है उसके लिए पास चाहिए होगा नहीं होगा, वो आई डोंट नो अभी, वो अभी आगे जाके देखते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।